हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं आज बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि एक तो है आज वेदर बहुत अच्छा है, लास्ट दो दिन से इतनी अच्छी बारिश हो रही है ना, तो इस वजह से बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है, गर्मी बिल्कुल भी लग नहीं रहा है, बहुत अच्छी सी वेदर है। और उसके साथ साथ और एक खुशी का आज मेरे लिए दिन है, क्योंकि आज मैं सौरभ का हेयर कट करने वाली हूँ। मुझे ना बहुत मज़ा आता है हेयर कट करने में, क्योंकि फिर उसमें क्या होता है ना, मेरा दिल का जो कुछ भी भड़ास होता है वो सब कुछ मैं बाल के ऊपर से निकाल देती हूँ। बाल काट के मुझे इतना ज़्यादा तसल्ली मिलती है कि मैं क्या बोलूँ। मुझे शायद बार्बर होना था, क्योंकि मुझे बाल काटना बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी के ऊपर अगर गुस्सा रहेगा तो मुझे आप दीजिए बाल काटने के लिए, मैं बाल काट दूँगी, मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो आज मैंने सौरभ को बोला है, जो नया ट्रिमर मैंने ऑर्डर किया था उसी से उसका मैं हेयर कट कर दूँगी। देखते हैं कितना अच्छा कर पाऊँगी, आई डोंट नो, लेकिन आई विल डेफिनेटली ट्राई। सो अभी चलिए कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। देखिए इतना ज़्यादा हवा चल रही है ना, तो अभी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मैंने ऑलरेडी चढ़ा दिया है और चाय भी हमारा सुबह का पीना हो गया है। तो ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद फिर मैं करने वाली हूँ सौरभ का हेयर कट। आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ नूडल्स, हक्का नूडल्स यहाँ पे बन रहा है वेजिटेबल डाल के। बहुत सारे आज वेजिटेबल है, क्योंकि रिसेंटली मैंने बिग बास्केट से सारे सामान ऑर्डर किया था ना, तो वेजिटेबल्स भी काफ़ी है अभी। तो इसमें गाजर है, बीन्स है, कैप्सिकम है, थोड़ी सी आलू है, प्याज है और एग्स भी है। तो सब कुछ डाल के हक्का नूडल्स यहाँ पर मैं बना रही हूँ। ये ऑलमोस्ट बन ही गया है, बस इसको भी सर्व करना बाकी है। एज ए प्रॉमिस्ड, आज हो रही है सौरभ का हेयर कटिंग। जो ट्रिमर मैंने उसको एनिवर्सरी में गिफ्ट किया था, वो ट्रिमर तो उसने ऑलरेडी बियर्ड वगैरह काट ही लिया है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि हेयर कट भी कर देती हूँ। तो मैंने YouTube से ऑलरेडी देख लिया है कि कैसे ट्रिमर के ये ट्रिमर यूज करके हेयर कट करना है। तो मैं अभी एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ, ट्राई करने जा रही हूँ। आई डोंट नो कि अच्छा होगा कैसा होगा, आराम से काटना। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, बट आई कांट प्रॉमिस। ओके, तो ये मैंने स्टार्ट किया है ट्रिमर, अभी देखते हैं कैसा कटता है। हाँ, काट रहा है, ये देखिए इतना बाल निकल गया। ये देखिए, हाँ सच में इतना ज्यादा हवा है ना, हवा की वजह से उड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पे हेयर कटिंग करने के बाद पूरा मुझे साफ करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। आज हवा बहुत ज्यादा चल रही है, तो चलिए अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं हेयर कटिंग पे। सौरभ का हेयर कट हो गया है, कैसा लग रहा है जरूर बताना। एटू माता टा गुड़ देखी था यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज्यादा चला दिया है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा बाल कट गया है, अदरवाइज पूरा सर में ठीक ही है ना। तुमको पसंद आया कि नहीं? हाँ एकदम, बहुत अच्छा हुआ है। थोड़ा सा तो होगा ही ना वैसा, क्योंकि प्रोफेशनल थोड़ी ना हूँ, क्योंकि ट्रिमर से फर्स्ट टाइम यूट्यूब देख के सीख के मैंने इतने अच्छे से काटा है, तो मैं खुद को अप्रिशिएट कर रही हूँ। और इसके लिए चार्ज लगेगा 300, क्योंकि यूजुअली अगर अर्बन क्लब से अगर तुम करवाते या फिर कोई भी सलून में जाते तो वहाँ पे 500 के नीचे तो होता नहीं हेयर कट और अंडर आर्म्स का। तो मैंने कर दिया 300 रुपए। हाँ, तो मैंने हेयर कट का मतलब घर पे ना थोड़ा सा डिस्काउंट तो बनता ही है, तो हेयर कट का मैं लेने वाली हूँ 200 और अंडर आर्म्स दोनों के मैं लेने वाली हूँ 50-50-100, सो टोटल 300 मुझे। अभी 5 रुपया दे नहीं, 5 रुपया से नहीं चलेगा, मम्मी बोल रहे 5 रुपया दे दो, 5 रुपया कभी कहीं पे भी नहीं चलता है। तो मम्मी अभी यहाँ पे सामने सामने झाड़ू पोछा झाड़ू लगा रहे हैं, और बालकनी का भी मैंने ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा और करना पड़ेगा। पहले मैं पैसा ले लेती हूँ उसके बाद, क्योंकि पैसा नहीं छोड़ना है भाई साहब। मैंने इतना मेहनत करके 40 मिनट से मैंने किया है, दे दो ये। उमा माँ 300 चाहिए, 500 दिलो। चलो चलो चलो,
से मिला है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुमको ना तुम्हारा बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ होता है ना, तुम वीकली काटा करो, ठीक है? मैं वीकली कर दूंगी। ना बाबा ठीक बोले छे ना बोलो, मतलब तुम ही बनाओ के ना चलो अच्छा हुआ, मैंने भी मुझे भी 500 मिल गया और मम्मी को भी 500 दे दिया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पापा देखिए, पापा गाय देखिएगा, और पापा यहाँ पे बैठ गए हैं चुपचाप। पापा को समझ का हम दे दिया ले जाओ कोई ना, तो पापा को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलने वाले हैं। बात ऐसा है, आज हमारा जो लड़का जो 500-500 करके दोनों को दे दिया, इसमें हमको बहुत खुश लग रहा है। कहे कि पैसा तो हमारा छोटा लड़का से निकलता नहीं है, लेकिन आज जो है बाल बनाने के बाद बहू को 500 रुपया दे दिया और मम्मी झाड़ू दिया, झाड़ू झाड़ के साफ किया, फिर तो मांगेगा उसको भी तो कीमत ही है। 500 से 200 रुपया तो मेरा आ जाएगा। बस ओके, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे टिप्स भी मिली है। 300 रुपए मेरा चार्ज था और 200 का मुझे टिप्स मिली है। बाद में ले तो नहीं लोगे ना ऑफ कैमरा? श्योर ठीक है, बाद में अगर ऑफ कैमरा ये ले भी लेता है ना तो मैं आपको रुको तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। अच्छे से मैंने साफ कर लिया है, हवा की वजह से ना बाल बहुत ज्यादा घर के अंदर आ गया था, तो वो सब कुछ मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और पोछा भी लगा लिया है। मम्मी भी थोड़ा थोड़ा जो थोड़ा सा बचा हुआ था वो सब मम्मी भी अच्छे से साफ कर लिया है। तो अभी मैं जाऊंगी नहाने, क्योंकि देख सकते आप मेरे चेहरे पे भी इतना ज्यादा बाल वाल आ गया है। ये देखिए मेरे चेहरे पे इतना बाल आ गया है कि मैं नहा के मैं कुछ भी नहीं कर सकती इस रूम में, कहीं पे भी मैं घूम नहीं सकती, क्योंकि जहां से भी मैं घूम रही हूँ ना वहीं पे बाल बाल हो रहा है। तो चलिए और एक बार मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, झाड़ू लगा के मैं जा रही हूँ नहाने, और नहा के आने के बाद हम लोग करेंगे लंच। बाहर फिर से बहुत ज्यादा क्लाउड आ गई है, आई डोंट नो कि बारिश होने वाला है कि नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा क्लाउड आ गई है। ये देखिए बहुत ज्यादा क्लाउड आ गई है, सो आई होप कि थोड़ा सा बारिश हो जाए, थोड़ा सा और ठंडा हो जाएगा। रात को फैन ऑन करने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, इतना ज्यादा अच्छा वेदर है। मैं ज्यादा घूमूंगी नहीं, बहुत अजीब सा लग रहा है, किरकिरा से लग रहा है, तो मैं जल्दी से नहा के आ जाती हूँ। यहाँ पे है लौकी और आलू की खसखस डाल के एक सब्जी, जिसको बोलते हैं बंगाली में लाओ आलू पोस्तो। और यहाँ पे मम्मी पापा के लिए है मछली, आलू डाल के पतली सी ग्रेवी बनाई है। इसमें तो चावल है, इसमें है चावल, और यहाँ पे है हमारा चिकन, लेमन चिकन बनाई है मैंने, लेमन पेपर चिकन, जिसमें हल्दी तो इतना ज़्यादा जाता नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है क्योंकि बिना कलर का मुझे बहुत फीका फीका सा लगता है दिखने में भी और खाने में भी। तो खा के बताते हैं कि कैसा हुआ। बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश और हम लोग यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं स्लाइडिंग डोर बंद करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश की छींटे भी आ रही है और साथ में हवा भी, तो सबको ठंड लग रहा है। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे इंडोर प्लांट्स अंदर से मैंने बालकनी में निकाल दिया है, ताकि इन लोगों को भी थोड़ा सा बाहर का जो नेचुरल पानी है वो थोड़ा सा मिले, रेन ड्रॉप्स। तो बारिश के पानी की वजह से ये लोग बिल्कुल खिली खिली बन गई है। देखिए कितने खुश से पत्ते को, जैसे लग रहा है कि बहुत ही खुश से बारिश का पानी से नहा के। अभी भी बाहर बारिश हो रही है और आसमान में बहुत ज़्यादा अभी भी क्लाउड है। बादल गरजने का आवाज भी आप सुन सकते हो। अभी मैं बना रही हूँ डिनर, और आज डिनर में बन रहा है
यहाँ पे पपीता की सब्जी, कच्चा पपीता जो होता है ना, कच्चा पपीता, आलू और ब्लैक चना, सारे चीज़ों को मैंने अच्छे से प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिया है। और अभी मसाला वगैरह, जिंजर पेस्ट सब कुछ डाल के इसको अच्छे से ऑयल सेपरेट होने तक मैंने चला लिया है। और थोड़ी सी पानी डाल के अभी मैंने इसको छोड़ दिया है बॉईल होने के लिए थोड़ा सा, जैसे ही सारे वेजिटेबल्स और मसाले के कच्चे स्मेल जो है वो चला जाएगा उस टाइम पे मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ी सी गरम मसाला, थोड़ी सी देसी घी। बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी बनता है। आप चावल के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, किसी के साथ भी खाओ, पूड़ी पराठा वगैरह बहुत जमता है ये। तो ये बन रहा है और इसके साथ साथ यहाँ पे बनेगा रोटी। तो रोटी के लिए आटा ऑलरेडी मेरा लगा हुआ है तो रोटी बना लूँगी। और ये रहा मेरा पौधे का धनिया पत्ता जो कि मैं डालने वाली हूँ पपीता के सब्जी में। खाना बनाते बनाते मैंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन में चढ़ा दिया है कपड़ा। कपड़ा जब तक धुलेगा तब तक मेरा डिनर भी बन जाएगा। ऐसा ही सब कुछ काम एक साथ संभालना पड़ता है, कपड़ा भी धुलेगा, खाना भी बनेगा, मम्मी पापा का देखभाल भी करना है, पापा को दूध हॉर्लिक्स भी देना है, सब कुछ करना है। और आज इवनिंग के टाइम पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नहीं, ये 400 ग्राम है, 400 ग्राम मैंने जिंजर पेस्ट बना के रख दिया है। मम्मी या पापा ने शायद जिंजर छील के रखा था जब मैं दोपहर के टाइम पे सो रही थी, तो उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे है गार्लिक, गार्लिक को भी पापा छील के रखे थे तो इसको भी मैंने पेस्ट बना लिया है। देख ही सकते हो ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो ये मेरा एक महीने से भी ज़्यादा चल जाएगा। और कपड़े वगैरह भी आज धोने का था जो सब कुछ शाम के टाइम से ऑलरेडी धो के यहाँ पे चेयर पे रखा हुआ है, ये मैं अभी डालूंगी सूखने के लिए। मम्मी ने ऑलरेडी थोड़ा सा सूखने के लिए डाल भी दिया है इस बालकनी में, और इस बालकनी में भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ऑलरेडी सूखने के लिए डाल भी दिया है। लेकिन मम्मी का हाथ नहीं पहुँचता है क्योंकि तार ऊपर है ना बहुत, तो इसीलिए वहाँ तक मम्मी का हाथ नहीं पहुँचता क्योंकि मेरे हाइट के हिसाब से बना हुआ है, मतलब मैंने टांगा है रस्सी, इसलिए वहाँ तक मम्मी का हाथ नहीं पहुँचता। एनीवेज मैं बाद में कर लूँगी ठीक से, मम्मी कर रही है अभी, करने देते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए और स्माइल कीजिए। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कर देना और बेल आइकन को डेफिनेटली क्लिक कर देना। बाहर बहुत मीठी सी हवा चल रही है। एनीवेज चलिए बाय, गुड नाइट।